रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजल व करम से अच्छे होंगे। आज हम मैं जा रही हूँ, मेरे भांजी का हकीका है, आज मैं हकीके में जा रही हूँ। इसके लिए मुझे जल्दी से काम करना है। अभी मेरा किचन पड़ा है साफ़ करने का, सारा काम पड़ा है मुझे, अभी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। काम करके फिर मुझे निकलना है हम जोगेश्वरी, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार जोगेश्वरी में ही रहते हैं ज़्यादा। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बस थोड़ा सा घर का काम बाकी रह गया है। मैं बोली थोड़ा सा घर का काम कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं निकलती हूँ। अभी जोगेश्वरी जाना है मुझे और मैं ट्रेन से ही जाने वाली हूँ, और हर बार मैं ट्रेन से ही जाती हूँ जोगेश्वरी। चलिए, अभी मुझे काम बहुत है, अभी मैं काम अपना काम पहले निपटा लूँ पूरा, फिर उसके बाद में मैं आगे का वीडियो बनाती हूँ। जहाँ जा रही हूँ ना, वो लोगों को पसंद ही नहीं है कि यूट्यूब में आए। अभी हकीका है, लेकिन वो लोग यूट्यूब का शायद मुझे वीडियो ना लेने दें, क्योंकि वो लोग को पसंद नहीं है। देखती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ वहाँ जाकर कम से कम मैं अपना और मेरी नवासी सोनी का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं। ये देखिए बाबा, जल्दी जल्दी मुझे किचन साफ करना था। ये देखिए, खाए तुम लोगों ने, पाँव के ऐसे ही सब छोड़ दिए। कम से कम पाँव को भी डब्बे में डालना चाहिए, वरना क्या है ना, सारी मूँगी लग जाएगी। ऐसे ही सब घान हम घान छोड़ दिए हैं अच्छे से बेटा साफ करने का। तूने भी नाश्ता की शिफा? हाँ हाँ, नाश्ता की ना, तो सब उठाने का, सब रखने का, पूरा साफ करने का। ये देखो किचन भी कितना गंदा पड़ा है। अभी तो मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन देखो अभी मुझे सारा काम करना है। अभी है नहीं कोई घर पे, तो सारा काम अभी मुझे ही कर लेना है, और करके फटाफट मुझे जल्दी से जाना है। मैंने सोची कि चलो पहले ही चली जाऊँ मैं, बाद में काम देखा जाएगा, लेकिन नहीं, अभी मैं जाऊँगी तो वहाँ पर मैं रुकने वाली हूँ। मैं आज रात वहाँ पर रुकूँगी और कल आऊँगी वहाँ से, तो इसलिए मैंने सोची कि चलो मैं पहले अपना काम करके ही और फिर जाती हूँ। ये देखिए, अभी मेरा काम ऐसे ही रह गया है। मैं तो यही तैयार तो हो गई, मैंने गलती की कि मुझे तैयार पहले नहीं होना चाहिए था, मैंने पहले तैयार हो गई। मैंने सोची कि जाने तो नहीं रुकूंगी, लेकिन अभी क्या है ना, मुझे वहाँ रुकना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कल संडे है, इस वजह से मैं वहाँ पर रुक रही हूँ। वहाँ पर रुक जाऊँगी और कल आ जाऊँगी मैं। अभी तो मुझे आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाने जाने तक ही टाइम हो जाएगा। सारे मेहमान आते और सब एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिलते, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर बैठने रहने के लिए। और मैं जाती हूँ तो मेरी भांजियाँ मुझे छोड़ते ही नहीं है, मेरी भांजियों के साथ मुझे रहना ही पड़ता है। जाऊँगी तो नहीं मामी रुक जाओ ऐसे ही करती है भांजियाँ मेरी। देखिए, अब थोड़ा सा मैं घर का काम कर लूँ और फिर उसके बाद में हमारी सोनी को लेके अभी जाने वाली हूँ, सोनी और मैं जाएंगे। किचन हो गया साफ मेरा, क्या बहुत छोटा सा किचन है, एकदम छोटा सा किचन है। बस उस पर एक ही मेरा गैस आ जाता है और मेरा एक बेसन है बस, इसके अलावा मेरा किचन बड़ा है ही नहीं। दो मिनट में हमारा किचन हो जाता है साफ। किचन में अभी ज़रा सा मुझे घर की सफाई करना है, बंद कर दो। सारा सामान उठा के रखना है। तुम लोग चलो अभी सर, तुम लोग का क्या काम है? ये देखिए, ये मेरे बिल्लियाँ हैं, मुझे भी बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक है, लेकिन क्या है ना, मैं वीडियो में लेती ही नहीं हूँ इन लोगों को। बहुत शौक है मुझे, देखिए मेरे पास, ये देखिए इधर, ये इनकी माँ है, इधर एक बिल्ली है मेरे पास, ये देखिए इधर इधर एक बिल्ली है, देखिए काली, ये काली, ये मेरी एक काली एक है मेरे पास, ये देखिए। मेरे को भी बहुत शौक है बिल्लियों का, बिल्लियों का बहुत शौक है, लेकिन क्या है ना, मैं वीडियो भी इनको लेती नहीं, बराबर वीडियो इनका बनाती नहीं। अब जा रही हूँ तो इनके खाने का इंतज़ाम करना है, मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है, और मेरे बेटे को बोल के जाना है कि भाई इनको बराबर खाना टाइम पर दे सबको। और ये लोग क्या है ना, हमारी बिल्लियाँ सब बाहर का ही खाना खाती है, घर का कुछ भी नहीं खाती है, सारा बाहर का ही मुझे वो म्याऊं बोल कर मिलता है खाना, बस वही ला के इन लोगों को मुझे खिलाना रहता है। ए चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर झाड़ू लगा के मेरे मुझे जाना है। ये तो सारी बंद कर दूँ, ये तो सारी कितनी हवेली सब ऐसी पड़ी है, क्या करें, घर में ना किसी के पास टाइम ही नहीं है, सब बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, इधर अपना उधर गए। मुझे भी सुबह का टाइम है, तो मेरे को भी बाहर जाना रहता है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं भी घर का काम करूँ।
ये देखिए अब निकलना है मुझे, इस वजह से मैंने सोचा लाओ मैं जल्दी जल्दी पहले सारा काम कर लूँ फिर उसके बाद में ही जाऊँ। देखो बेटा थोड़ा सोफे का भी सही करना है कवर, ये देखो पूरा कितना पड़ा है ऐसे ही। चलो मेरा झाड़ू ले लेती मैं, उधर जा एक, चलो उठो तुम लोग उठ जाओ, चलो चलो उठ जाओ, उठ जाइए उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए, चल चलो उठो चलो अभी जल्दी जल्दी जाना है मुझे, चलो उठो चलो। ए काली हड़िया काली काली जल चल काली, देख नीचे काली, हाँ चलो देख पिंजरे में जा रही, देख काली पिंजरे में जा रही, देख काली को देख, देख पिंजरे में घुस रही है काली। ये हमारी बिल्ली है देखो काली, ये देखिए ये हमारी बिल्लियाँ, देखो देखो कैसी मस्तियाँ कर रही है। ये देखो मेरे पास भी 4-5 बिल्ली है, मुझे भी बिल्ली को पालना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये काली एक जाके बैठ गई अंदर, ये काली क्यों पिंजरे में जाके बैठ गई, हाँ निकल बाहर। ये देखिए ये ऊपर से एक मस्ती कर रहा है, ये देखिए मेरे पास दो दो काली बिल्लियाँ हैं, ये देखो ये दोनों पर्शियन है, ये देखो ये बच्चे देखो ये इसके, ये काली के ये बच्चे हैं, ये देखिए ये दोनों देखो कैसी मस्ती कर रहे हैं। अरे बेटा शिफा ज़रा फैन चालू करना, बहुत गर्मी हो रही है, अभी झाड़ू का टाइम तूने बंद की तो चालू ही नहीं करी। चलो ये तुम लोग अभी इधर ही पिंजरे में ही रहो, चलो मुझे जाने का टाइम हो गया है। लोगों की देख मस्ती कैसे शुरू हो गई है, इतनी मस्ती मस्ती करते कि रात में भी सोने के लिए नहीं देते, सारे आंग आंग पे मेरे बस भागते रहते, पिंजरे में डालूंगी तो बुरा बुरा चिल्लाते। वो सब चप्पलें सब उठा के उधर ड्राउ में डाल दो बेटा, चलो चप्पलें सब वहाँ से उठा लो, देखो अच्छी नहीं लग रही है दरवाजे में रखी है, हाँ उधर ड्राउ में डालो, चलो सारी चप्पलें खोलो ड्राउ खोलो। ए काली काली तू क्या सो रही है बार बार, आ इधर आ आजा आजा काली आजा जल्दी आजा जल्दी आजा आ काली, हाँ सब चप्पलें रख दो बेटा, सब चप्पलें रखो, घर अच्छा रखेंगे तो अच्छा लगता है ना माँ। काली ए इधर आ जल्दी आ, ये काली मेरी काली को पता नहीं क्या हो जाता है, हर बार बच्चे देने वाली रहती है लेकिन क्या मालूम क्या होता है, इसके बच्चे ही मर जाते हैं, कभी 2 महीने में बच्चे दे देती है, कभी 1 महीने में दे देती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, बच्चे ही मर जाते हैं। इसकी दवाई ला रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ लेकिन फिर भी इसका पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, अभी अच्छे डॉक्टर को मुझे इसको दिखाना है। अभी एक डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी सोनोग्राफी कराओ, कि देखना है कि इसको क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम है, कि इसके बच्चे क्यों मर जाते। 3 बार इसने बच्चे दी लेकिन क्या है ना, 3 बार इसके बच्चे मरे हुए ही पैदा हुए। अरे ये देखो ये एक काली है, इसको बराबर पहली बार इसने अच्छे बच्चे दी है लेकिन यही बिचारी को क्या पता क्या हो जाता है, इतनी प्यारी इतनी अच्छी इतनी मेरी बिल्ली ये मोहब्बती है, इतनी अच्छी है, ये आके रात में मेरे पास सोती है, हम लोग के पास बैठती है, हमारे आगे आगे घूमते फिरते रहती है। अरे ये 2 तो बहुत परेशान करके रख दिए हैं, ये 2 तो इतना ज़्यादा परेशान किए हैं कि पूछने की बात नहीं। ये 2 बिल्लियों के साथ है ना, ये एक बिल्ली भी मुझे बहुत परेशान करती है। हाय गाइस, वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब भी करो। आज सलाम कौन करेगा, पहले सलाम करने का, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस, अच्छे हैं अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे, ऐसे बोलने का, ऐसे भी नहीं बोलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, पहले करने का अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखिए अभी शिफा भी मेरी मदद कर रही है ना, कर रही है ना, अभी शिफा को जाना है अरबी, अभी शिफा की अरबी 3 बजे की अरबी है, ये अरबी जाएगी अभी तैयार होगी, अरबी जाके फिर 4 बजे वापस आ जाएगी है ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं जोगेश्वरी, वहाँ पर फंक्शन है, हम फंक्शन में जा रहे हैं, आज शिफा को हम छोड़ के जा रहे हैं, शिफा को हम नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर जाना है ना। हाँ चलिए यहाँ अंदर का भी बेड का ऐसी चादर है, अभी पहन रही हूँ मैं बुरखा, बस अब निकलने का टाइम हो रहा है। ये कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ।
बेटा तेरे को अरबी जाना है ना माँ, अरबी जाना है, और मैं अभी रात को रुकने वाली हूँ ना, जिस दिन नहीं रुकूँगी ना मैं तुझे दूसरी शादी में जाऊँगी तभी लेके जाऊँ। मैं ये दुपट्टा ना भूल जाओ मेरा, फिर वहाँ जाने के बाद मुसीबत हो जाएगी। अरे ए शबीर चल मैं जा रही हूँ। अभी मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ जाने के लिए, बस अभी मैं जा रही हूँ, अभी रिक्शे से जाना है, फिर वहाँ से मुझे ट्रेन से जाना है। ये देखिए ये अभी मैं अपने ग्राउंड से अभी बाहर जा रही हूँ, बस अभी यहाँ से जाके मुझे बाहर रोड से रिक्शा पकड़ना है। देखिए ये मेरी सोनी मेरे इंतजार में खड़ी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा रिचार्ज कराइए, रिचार्ज कराए, अब बाबू करे फोन। हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो अल्लाह हाफिज। जोगेश्वरी स्टेशन हाय, हम पहुंच गए हैं जोगेश्वरी स्टेशन, अभी जा रहे हैं बांद्रा प्लॉट, हमको जाना है अभी बांद्रा प्लॉट रिक्शे से, अभी ये जा रहे हैं हम ब्रिज पे। ऐसे नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, अपना बंद हो जाएगा। अल्लाह हू अकबर, बंद कर दे। ये यहाँ का अरबी मदरसा है, और ये मदरसे में ये लोगों ने हकीके का फंक्शन रखे हैं, तो हम लोग ये फंक्शन में यहाँ मदरसे में आए हैं। ये देखिए ये मदरसा, यहाँ पर बच्चे लोग, यहाँ पर ना बच्चे लोग अरबी पढ़ते हैं, और यहाँ पर सबको खाना खिलाया जाता है, यहाँ पर रोज़ लंगर बटा जाता है, नीचे रोज़ लंगर बटता है, और यहाँ रोज़ गरीबों को खाना दिया जाता है, और ये मदरसा किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी दिया जाता है, ताकि वो पैसा मदरसे में ही जमा हो जाए। ये देखिए ये मदरसे में ही आज हम आए हैं, पहले भी यहीं पर फंक्शन में आए थे, हम लोग फंक्शन से घर पे आए, फंक्शन खत्म हो गया, सब लोग मेहमान खाना वगैरह खा लिया, अभी घर जा चुके सब, अब भी हम लोग हमारी भांजी के घर पहुंचे हैं, अब जाके हमने ड्रेस चेंज किया तो अब सुकून लग रहा है, वरना मदरसा छोटा सा था और गर्दी बहुत थी तो बहुत गर्म हो रहा था वहाँ। माशाल्लाह अभी हम घर पे आ गए, अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब चेंज किया, अब थोड़ा आराम करेंगे, फिर कल सुबह मैं मुमरा जाऊँगी।